Hello, so you are listening to Mahavir Singh from Physics Open House. Today is 5th September. You should remember the teacher. Today is Teacher Day. You should respect your teachers. Today we will take the topic of collision. What is collision for 11th class? You can write with me. What is collision? Answer. You can write, what is collision? The physical interaction between two bodies, two or more, is called collision. Collision के दो टाइप पढ़ेंगे हम. पहले पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन, फिर पढ़ेंगे इनइलास्टिक. इनइलास्टिक कोलिजन बोथ आर इम्पोर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट. इलास्टिक कोलिजन, लेट अस स्टार्ट इलास्टिक कोलिजन. यू कैन राइट. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन. नंबर वन, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. नंबर वन, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर उसे आप लिख सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम और कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम सेम रहता है. नंबर टू, टोटल एनर्जी रिमेन इज कंजर्व. शॉर्ट में लिख सकते हैं आप. तीसरा नंबर, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. कंजर्व का मतलब कॉन्स्टेंट. एंड चौथा नंबर, इन डूइंग वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेज आर यूज. कंजर्वेटिव फोर्सेज आर यूज्ड. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको अलग से बताऊंगा. पांचवा नंबर, टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज इन अदर फॉर्म. Does not change in other forms. Other form में आती हैं आपकी heat energy, sound energy, etc. These are five characteristics of elastic collision. एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. Total linear momentum conserved. Total energy is conserved. Total kinetic energy is conserved.
टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों चीज़ कंजर्व माने कांस्टेंट रहती है। वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का प्रयोग किया जाता है। टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज इन अदर, मतलब दूसरी में नहीं होती है। ये इलास्टिक कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स में है। गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो इलास्टिक होता है। जो रोड पर सड़क पर जाकर के जो आप देखते हैं डेली, वो इन इलास्टिक कोलिजन में, वो बाद में पढ़ाएंगे। दिस इज द करेक्टरिस्टिक। नाउ वी विल राइट द डेरिवेशन। आई विल ड्राइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। सो लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी। ए हैज मास m1, बी हैज मास m2, ए हैज वेलोसिटी u1, बी हैज वेलोसिटी u2। कोलाइड करने का मतलब u1 इज ग्रेटर देन, तभी टकराएंगे u2। मान लीजिए यहाँ पर ये कोलाइड हो गई, दिस इज ए दिस इज बी। आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर हो गया, आफ्टर कोलिजन मान लो द वेलोसिटी ऑफ ए को हमने m1 रखा है इज b1, और वेलोसिटी ऑफ बी जिसका मास m2 रखा है इज b2। b2 आ गया, b2 ग्रेटर देन b1। इसमें यू कैन राइट m1 m2। ये कोलिजन, ये कोलिजन के बाद ये बिफोर। सो लेट अस राइट टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व। पहला पॉइंट m1 u1 प्लस m2 u2 आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। वन वन वालों को एक साइड में कर लो। m1 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया u1 और इधर से आ गया v1, और m2 वालों को इधर ले लीजिए। चेंज दी साइड v2 माइनस u2, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू, आप अपने आप भी लिख सकते हो, हाफ m1 b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 b2 स्क्वायर। इसमें भी सेम m1 वन साइड करो और m2 दूसरी साइड में, इधर और कर रहा हूँ। चेंज दिस आए, पहले आपको यू कैन कट हाफ, आधा आपने काट दिया। इसके बाद यहाँ लिख दिया m1 को मैंने कॉमन ले लिया, m1 कॉमन ले लिया, u1 स्क्वायर और यहाँ से b1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 यहाँ पर है b2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। इसको ब्रेकअप करके लिख सकते हैं m1 ए प्लस बी ए माइनस बी u1 प्लस b1 u1 माइनस b1। इधर लिखेंगे m2 ब्रेकअप कर दो ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस पहले प्लस लिख लो u2 और दूसरा v2 माइनस u2, इसको b कह लो। अब हम a डिवाइड और b को डिवाइड करेंगे।
एक इसको रखना है, एक इसको रखना है, इन दोनों को देखिए डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग बी बाई ए, डिवाइड इक्वेशन बी बाई इक्वेशन ए। नीचे लिखता हूँ, ऊपर तो लिखा हुआ है एम बार यू वन प्लस बी वन यू वन माइनस बी वन एम टू बी टू प्लस यू टू बी टू माइनस यू टू डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर रहा हूँ एम बार, पीछे लिखा हुआ था ये यू वन माइनस बी वन और यहाँ पर था एम टू, पीछे लिखा हुआ बी टू माइनस यू टू। ये कट कीजिए, ये भी कट कर दो, नेगेटिव वाला भी कट कर दो, ये नेगेटिव भी कट हो गया, जो बच्चा उसको लिख दो। देयरफॉर यू वन प्लस बी वन, ये यू वन प्लस बी वन, इधर बचा आपका यू टू प्लस बी टू। इसका आप यूज करेंगे या पहले या तो बी वन निकाल लो या बी टू निकाल लो, मैं बी वन निकाल रहा हूँ। बी वन इजिकल टू यू टू प्लस बी टू माइनस यू वन, ये तीसरी इक्वेशन हो गई सी। अब सबसे पहली जो इक्वेशन लिखी है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे, ये रब कर रहा हूँ, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले एम वन, अगेन राइटिंग दी फर्स्ट इक्वेशन एम वन यू वन एम टू यू टू इजिकल टू एम वन बी वन एम टू बी टू। इस वैल्यू को पुटिंग बी वन इन दिस इक्वेशन, इसके अंदर इसको डी ले लो, इन डी एम वन यू वन एम टू यू टू एम वन, यहाँ पर वैल्यू लगा दो बी वन, यू टू प्लस बी टू माइनस यू वन प्लस एम टू बी टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी टू, फिर लिखेंगे बी वन। इसी को आगे करने पर बी टू इजिकल टू यू एम टू, टू से स्टार्ट है तो यहाँ भी टू लिखेंगे, माइनस एम वन और टू का यू टू प्लस टू, वन को यहाँ ले लो एम वन यू वन बटे में एम वन प्लस एम टू, ये आपकी बी टू आ गई। यहाँ टू है तो यहाँ भी टू है तो यहाँ भी टू है, याद करने का तरीका है, यहाँ एम वन है तो यहाँ वन वन हो गया, एम वन प्लस एम टू दोनों में आएगा। सिमिलरली सिमिलरली जैसे हमने किया है ऐसे प्रैक्टिस करना और सिमिलरली यू विल गेट बी वन। अब जैसे ये लिखा है ऐसे लिखेंगे वन, तो वन से शुरू करेंगे एम वन माइनस एम टू यू वन प्लस टू एम टू यू टू बटे में एम वन प्लस एम टू। ये दो इक्वेशन आ गई आपकी एक्स और वाई, ये आंसर है। इसको अच्छी तरह आपको याद करना है, एक याद होगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, सिमिलरली है ठीक। अब हम एक दो केस करेंगे, इनको याद करके रखिए। वेल स्पेशल केस, जब दोनों बॉडी का मास एम वन इजिकल टू एम टू इजिकल टू एम,
देखिए बी टू निकाल रहा हूँ पहले मैं बी टू यहाँ पर एम लिख दो एम माइनस एम इंटू यू टू प्लस टू एम एम वन एम टू रिप्लेस बाई एम यू वन अपॉन एम प्लस एम ये कट हो गया इजिकल टू टू एम यू वन अपॉन टू एम टू एम भी कट हो गया आंसर आ गया यू वन क्या नतीजा निकला बी टू किसकी वेलोसिटी थी टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी थी और ये किसकी वेलोसिटी है ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन तो क्या हुआ इंटरचेंज हो गया बी वन भी निकालना चाहें बी वन भी निकाल लो बी वन देयर फॉर बी वन भी निकाल लेते हैं एम माइनस एम इंटू यू वन प्लस टू एम इंटू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इसको भी देखेंगे आपका आंसर पहला कट हो गया दूसरा बचा आपका टू एम यू टू बटे में टू एम टू एम टू एम कट हो गया आंसर आ गया यू टू इंटरचेंज हो गई बी टू वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन बी की हो गई बिफोर कोलिजन ए की ऐसे इसमें उल्टा हो गया नतीजा ये निकला हेंस देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज कहते हैं इसको उसकी वेलोसिटी उसके पास भेजी चार बदल गई आपस में कोलिजन थोड़ा आपको दिक्कत आएगी लेकिन आप याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट बी वन बी टू डेरिवेशन के चांस कम होते हैं करेक्टरिस्टिक याद कर लो और हाउ टू राइट मोमेंटम के फॉर्मूले और काइनेटिक एनर्जी का आप एलिमिनेट कर लो धीरे धीरे आप याद करेंगे आखिरी आंसर याद कर लो इसके अंदर स्पेशल केस कई करेंगे लेकिन अभी हमने एक ही किया है और इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन है इम्पोर्टेंट भी है और आज टीचर्स का रेस्पेक्ट करेंगे हो सकता है आपको क्लास में जाके पढ़ाना भी पड़े आज 5 सितंबर है थैंक यू वेरी मच और इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच